दोस्तों हार के बाद तिलमिलाए साउथ अफ्रीका के दिग्गज। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम के खिलाफ जहरीला बयान जारी किया। साउथ अफ्रीकी दिग्गजों ने अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आखिरकार साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाफ कौन सा जहरीला बयान जारी किया है, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम अपनी जगह बना पाएगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था और इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन का टारगेट दिया और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को हार गई क्योंकि बारिश के कारण मुकाबले को छोटा करना पड़ा, जहां उन्हें 9 ओवर में 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बना लिए, लेकिन बारिश के कारण 5 ओवर में 73 रन का टारगेट दिया गया था। हालांकि इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका पूरी तरह से जीतने की कोशिश कर रही थी परंतु इस मुकाबले को हार गई, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाफ जहरीला बयान दिया है, जिसमें हाशिम अमला ने बयान देते हुए ये भी कहा कि इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम हमारे सामने बड़े ही आसानी से जीत गई, हमें काफी ज्यादा दुख हुआ कि हम इस मुकाबले को हार गए, हालांकि अभी भी हम सेमीफाइनल में जिंदा हैं, लेकिन हमें इस हार से निराशा हुई है। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम की वजह से जीती है क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनको अच्छे अच्छे टिप्स दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की किस्मत बदल गई और पाकिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत के दम पर साउथ अफ्रीका को हरा दिया। दोस्तों इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से प्रत्येक खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है, तो वहीं उनका अनुभव भी किसी और की टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, ऐसे में भारतीय टीम की वजह से हमारी टीम इस मुकाबले को हार गई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अगर पाकिस्तान को टिप्स नहीं देते तो पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाती, अगर पाकिस्तान की टीम अपने दम पर खेलती तो हम इस मुकाबले को आराम से जीत जाते और पाकिस्तान को हरा देते। तो वहीं डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा कि हमारे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया, हालांकि बारिश के कारण मुकाबले में हमारा मोमेंट शिफ्ट हो गया और जिस अंदाज से हम खेल रहे थे आगे उसको हम जारी नहीं रख पाए क्योंकि बारिश के कारण वो बदल गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से अगर अनुभवी खिलाड़ी पाकिस्तान को टिप्स नहीं देते तो शायद पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती थी क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम के मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम ने भारत से बातचीत की थी और भारत ने उनको काफी ज्यादा टिप्स दिए थे जिसके कारण पाकिस्तान मुकाबले को जीत गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।